भाई पता है तेल घालने की भी कला है, अगर ये कला आपको नहीं आएगी ना। हेलो भाई, मैं अरुण पवार, अभी मैं हूँ भाई पहाड़ों के अंदर, आप देख सकते हो पीछे, और ये ऐसा नजारा भाई आपने जगह जगह टूरिस्ट प्लेसेस पे देखा होगा, लेकिन मेरे को पेट्रोल पंप पे ऐसा पहली बार देखने को मिला है। और यहाँ पहाड़ों में मैं अभी मौजूद हूँ भाई अपनी स्कॉर्पियो एन के साथ, जो कि ब्रांड न्यू है, अभी 6 महीने हुए हैं मात्र इसको। और 6 महीने वाली बात को मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि भाई ये चल गई अभी 12,000 किलोमीटर। मैंने फर्स्ट टाइम पहली बार जब इसका माइलेज टेस्ट किया था तो इसने बहुत हमको निराश किया था भाई। 9-10 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज देती है, बताओ यार ये गाड़ी यार हद हो जाती है यार किसी चीज की। 2200 सीसी का इंजन है यार, फॉर्च्यूनर 2800 सीसी की, जब 12-13 दे देती है। कोई नहीं, तो मैंने सोचा कि चलो उस टाइम तो लोग कहते कि भाई अभी इंजन खुला नहीं है वट एवर, पर मुझे वो चीजें प्रैक्टिकल नहीं लगती। पर चलो अब तो 12,000 चला ली, काजा वाजा तक हुआ ही भाई, तो अब तो खुल गई होगी ना ढंग से जैसे इसको खुलना होता है। तो यहाँ पे मैं भाई से जरा डीजल इसमें फुल करवा लेता हूँ अभी, फिर मैं आपको कंबाइंड माइलेज बताऊंगा इस गाड़ी की। यहाँ पे टैंक टू टैंक हम लोग कर रहे हैं, तो आई एक्सपेक्ट इस बार कुछ ज्यादा दे दे, 9-10 की देगी तो भाई जेब ऐसी अभी तो देखो सिली हुई है, फटाई से जल्दी फटने में देर नहीं लगेगी भाई। अब इसको ना फुल ऊपर तक भर दो, आप बाहर तक टपका दो ऐसे भाई, फुल भर गए ऊपर तक। हिला देता हूँ मैं भाई की हेल्प कर देता हूँ, और डाल दो हल्का लिटिल लिटिल, बस जी बस 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 बहुत है पहाड़ों में हिलेगा डुलेगा ना। अरे अभी तो और जा रही है, ठीक है चलो 3970 रुपये का आ गया भाई एग्जैक्ट, और अपना मामला अब सेट है। चलो जी 3970 रुपये दे दीजिए। ठीक है गुरु जी, भर गया है ना, अब ट्रिप एक और जरा मैं रिसेट कर देता हूँ यहाँ से, और अब आप देख लेना फिर जो भी हिसाब किताब रहेगा। ठीक है जी, 0 हो गई है, घर बच रहा है अभी 450-450 किलोमीटर, इतनी चलती है भाई ये इसकी टंकी। अरे भाई सॉरी, मैं थोड़ा पहाड़ों में खो गया था ब्यूटी को देखते हुए। तो अभी भाई पहाड़ मैंने नरकंडा से, आपको पता होगा नरकंडा शिमला, और शिमला से भी 50-60 किलोमीटर तक पहाड़ बहुत ज्यादा रहते हैं। तो ना मैं आपको ऐसा नहीं कि मैं भाई ऐसा कुछ लिमिट में चलाऊंगा जैसे नॉर्मली कोई भी चलाता है ना, बिल्कुल ऐसे रियल लाइफ कंडीशन रखना चाहता हूँ, वो पर्पज नहीं मेरा कि हाय माइलेज निकाल के दिखानी है। तो अभी आप फिलहाल देखोगे तो यहाँ पे मीटर में दिखा रहा है भाई 10 की, क्योंकि पहाड़ों में आपको पता है किस तरीके से ड्राइविंग होती है भाई, और रेंज काफी कम है इस गाड़ी की, 411 फुल टंकी में। आप सोचो मेरी किया है भाई 850-900 किलोमीटर सेम प्राइस में, सेम उसकी भी टंकी इतनी बड़ी है, ये बस ऐसे बड़ी बड़ी दिखती है लेकिन इसकी टंकी सेम है, बहुत आधी रेंज है। तो आप लगा लो कि एवरेज, तो आपको मैनुअल वैसे मैं चला रहा हूँ डीजल के अंदर, तो सोच लो भाई क्या माइलेज मिलेगी हमको, पेट्रोल होती तो और कम रहती है। एक्चुअली भारी बहुत है ना गाड़ी यार, फिर ऊपर से पावरफुल भी है, तो वही सब मिक्स हो जाता है ना जब, तो फिर इसलिए माइलेज बनती नहीं है। फिर पहाड़ों पे ऊपर से मैं हूँ कुछ टाइम भाई, अपना आइडल भी मान लेना कुफरी के इस ट्रैफिक में, या कभी आ लो यहाँ जाम मिलनो ही मिलनो है, गाड़ी घनी देर तक अभी खड़ी है बिल्कुल न्यूट्रल पे। तो अब आप देख सकते हो हमने ये पहाड़ छोड़ दिए हैं फाइनली जाके, और हमने 143 किलोमीटर टोटल ड्राइव करी है अपनी हिल्स पे। अब प्लेन्स पे दौड़ेगी गाड़ी जितनी भी दौड़ेगी ना, रात हो ली है भाइयों, हम हरियाणा पहुंच गए हैं फाइनली, अब अंबाला आ गए भाई। अभी भाइयों अगला दिन है, कल रात को मैं ना चला चला थक गया था थोड़ा सा, इसकी माइलेज ज्यादा पी रही थी, तो मैंने सोचा आज का दिन खराब है कल चलाऊंगा। अरे भाई साहब, भाई इसकी रेंज देख रहे हो कैसे बढ़ती है, कल कितनी थी मैं कितनी चलाया है, और अब 522 हो गई, अब माइलेज अच्छी दे रही क्योंकि मैं प्लेन्स पे दौड़ा रहा हूँ ना इसको अगले दिन, तो इसीलिए अगले दिन देखो कितना फायदा हुआ हमको अगले दिन चलाने का। तो पहले मैं ये खा लेता हूँ लिटिल लिटिल सी विष्णु भाई की फेमस बिरयानी, चम्मच और दे देते गुरु जी। चलो भाइयों को अपना थोड़ा खर्चा और बता देता हूँ, अगर आप भी स्पीडी ट्रिप प्लान कर रहे हो विंटर स्पीडी, तो अप्रोक्स कितना खर्चा आता है ऐसी बड़ी 4x4 डीजल गाड़ी अगर आप लेके जाओगे। पॉज करके जरा पढ़ लेना भाई, हमने पूरा लिखा था कितना क्या क्या है। डीजल मानो भाई अप्रोक्स 15,000 रुपए का आपका डीजल रुकेगा भाई अप्रोक्स। हम दिल्ली से स्टार्ट करी थी हमने जर्नी, दिल्ली सोनीपत पानीपत कुरुक्षेत्र करनाल शिमला नारकंडा कुल, और फिर ऐसे ऐसे आपने देखा ये सारी सीरीज। 15,000 रुपए का डीजल है, बाकी रहने का खाने का पीने का मैंने आपको दिखाया 40,000 रुपए का मात्रा। मान लो दो जने हो या तीन जने हो, तीन चार जने तक आराम से 45-50 हज़ार तक का खर्चा हो सकता है। और भाई यहाँ पे ना मैं दिल्ली में पहुँच गया हूँ, तो आप ये भी चीज लगाना कि भाई वहाँ तो हिमाचल में सर्दी बहुत थी, लेकिन दिल्ली में जब आप बात करोगे तो भाई टेम्परेचर जा रहा है 31-31 तक कंबाइंड है, मतलब एक तरीके से पूरा टेस्ट ना 50-50 पे चल रहा है, 50% हिल्स हो गए, 50% प्लेन, 50% एसी, 50% नॉन एसी। ओके जी भाई, हम लोग दिल्ली पहुंच चुके हैं, दिल्ली के लेजेंड से आप मिलिए,
मतलब स्कूटी पो रखी है स्विफ्ट के अंदर। ओ भाई कमाल ही कर दिया लड़के, वाह भाई वाह यार। भाई माइलेज तो ये मेरे ख्याल से तो भाई बढ़िया दे रही है। अब मैं अपने एरिया में पहुंच चुका हूँ, मतलब भाई गुड़गांव, और घर मान लो 18 किलोमीटर बच गया। कुल 465 किलोमीटर चल लिया ये, और अब भी तेल देखोगे तो आधी से ज्यादा है इसके अंदर। यार बढ़िया एवरेज दे रही है, मतलब अभी मैंने एमआईडी में चेक कर तो 13.5 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज दिखा रही है भाई। लेकिन एक बात आपने नोटिस करी, ये रेंज ही पहले तो भाई 495 जन 500 किलोमीटर की दिखा रही थी, ये एक टंकी में चल खूब गई यार। अब तो अच्छी देने लग गई है, सुधर गई है गाड़ी। खैर मैं भी इसको धीरे धीरे लेके आया 80-90। अब हमको पता चलेगा कि हमारी गाड़ी है उसने कितना डीजल पिया है। देखो जीरो चेक करो। जीरो सही है जी, चला भाई चल तो रही ना है, टाइम है। लगा नहीं पड़ेगी, अरे हम तो नहीं रह गए। चलो भाई यहाँ 89 है, 4 रुपये महंगा खराब है का वो। चल गई जी, चल गई। अरे उसमें गैस बन गई, कोई बात नहीं भाई, फुल स्पीड में देख लो मेरा तेल भर रहा है। स्पीड से जा रहा हूँ पानी मामा, कितनी बता सकते हो उधर, पता चल रही है ब्रेक से तो रेट भाई इसका। पता है क्या सिस्टम रहता है इसको, जितना भींचोगे उतनी स्पीड से आएगा। ये देखो जितनी स्पीड से भींचते हैं उतनी स्पीड से तेल आता है। नारकंडा से और आपको ईडरीगाम तक पहुँचना है तो कितना तेल आपको चाहिएगा अभी आपको पता चल जाएगा। बड़ी गाड़ी के साथ भाई पता है तेल घालने की भी कला है, अगर ये कला आपको नहीं आएगी तो फिर आपके ऊपर तेल चल पड़ेगा। अभी तो एक हल्ला लगा के छोड़ दें और कर दें। ये मेरा फर्स्ट टाइम है गाइस, ये आवाज़ तो पता चल जाए जैसे दे लग गए हैं। ऑटो कट लग गया है 3000 दे पूरा पट 3000 रुपये देख हैं। लेकिन हम तो और भरेंगे ना, हम तो कोई आदमी है भर देंगे। हमें फोला भी तो बजी लगे जगह, अभी तो और आएगी अभी तो इतना भी मत कर है।4.76 ओके। वाओ मैं तो इसको मान गया यार, क्या गाड़ी है यार। फिर भी काफी सही है पहाड़, अगर तू पहाड़ भी कंबाइन कर दे इतनी बड़ी गाड़ी के हिसाब से ठीक है, चल जाता है काम। तो एसी तो चली है, नॉन एसी भी चली है पहाड़ पे प्लेन। भाई आप 500 के नोट कैसे गिनते हो, एक एक करके या फिर दो दो करके? एक साथ सभी को दे ऐसे। तो भाई अपना बिल 3127 का बन गया, 3 रुपये हमने भाई को टिप दे दी। क्यों इस खुशी में? क्योंकि भाई गाड़ी ने 14 की माइलेज दिया जो कि छोटी बात नहीं है। 22 में जब डीजल लेके जाएगा तो बहुत ज्यादा लीटर आ जाएंगे भाई, 50 लीटर इतनी तो वो भी डाले। इतनी रात बड़ा टैंक है मारो, इतना बड़ा ढोल सो लटकारा को हुए वो यार, मतलब इतना चौड़ा ना वैसे लंबो वैसे रहे। चलो जी शुक्रिया भाई।